मन जी को वंदन। मेरे अनन्य विशिष्ट उपकारी शासन श्री मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी, अत्र विराजित मुनि श्री मोहजी कुमार जी स्वामी, मुनि श्री भव्य कुमार जी स्वामी, साध्वी वृंद, शासन श्री साध्वी श्री साधना श्री जी, साध्वी श्री संपूर्ण यशाजी आदि साध्वी वृंद एवं उपस्थित धर्म परिवार, आज मेरे लिए ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस भाषण की शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि हमेशा जिन्होंने मेरे भाषण की शुरुआत करी और जिन्होंने मुझे हमेशा मेरे भाषण की शुरुआत किस तरह करनी है वह मार्ग मुझे समझाया, आज वो मेरे सम्मुख नहीं है। शासन श्री मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी के साथ मेरा जो संबंध है वो 5.5 साल पूर्व यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में शुरू हुआ था। उसके पूर्व ना मैं महाराज को जानता था ना महाराज मुझे जानते थे। अकस्मात गुरुदेव ने मुझे मुनि श्री मोहजीत कुमार जी की देखरेख में रहने का आदेश दिया है। एक बार मैं भी डर गया और सबसे ज्यादा कोई डरा तो मोहजीत स्वामी तो डरे थे, बड़े महाराज बहुत डरे। मैं जब दीक्षा लेकर आया सुखलाल जी स्वामी बैठे थे, एकदम चिंतन, इतनी चिंता थी उस समय उनके मुख पर। मैं डर गया कि महाराज इतने ऐसे चिंता में क्यों है, लेकिन बाद में महाराज ने मुझे कहा कि उस समय मैं इसलिए डरा था कि तुम 10 साल के बच्चे थे, मैंने कभी किसी इतने छोटे बच्चे को अपने पास नहीं रखा है, तो मुझे डर था कि इस 10 साल के बच्चे को मैं कैसे रखूंगा। शुरू के 4-5 महीने जब हम दिल्ली में रहे गुरुदेव के साथ, उस चातुर्मास में महाराज मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं फरमाते, उन्हें ऐसा डर था कि मैं कहीं इस बच्चे को कुछ कह दूंगा और ये बुरा ना मान जाए। लेकिन जब यह तय हुआ कि गुरुदेव नेपाल की ओर पधारेंगे, तय तो पहले से था, लेकिन यह तय हुआ कि मुनिश्री साथ में नहीं पधार सकते और यह पता चला कि मुझे अब महाराज के साथ रहना है, तो शायद मुझे जितना दुख नहीं हुआ उतना बड़े महाराज को दुख हुआ। उन्हें यह लगा कि इस छोटे से बच्चे को मेरे कारण इतनी जल्दी गुरुदेव से अलग होना होगा। उस समय भाषण में गुरुदेव के सामने महाराज ने बात कही, गुरुदेव आपने मुझे छोटा बच्चा दिया, वो मुझे कहता है कि गुरुदेव से अलग होने के बाद मेरे माथे पर हाथ कौन रखेगा, मेरे हाथ का सहारा कौन लेगा, मुझे हर समय कौन पूछेगा, मुझे कौन खाना, मुझे ग्रास बख्शाएगा। उस समय सारा वातावरण एकदम गमगीन हो गया, यहां तक कि सुखलाल जी स्वामी खुद एकदम रुआसे हो गए। तब मैं समझता हूं गुरुदेव ने उस समय मुझे बड़े महाराज का हाथ दिया, उनका हाथ मेरे माथे पर रखाया और एक तरह से मुझे बिल्कुल गुरुदेव ने अपनी कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन आज जब महाराज चले गए हैं तो वापस से वो कमी महसूस हो गई। यहाँ तक कि महाराज ने यह भी नहीं बताया कि हम मेरे माथे पर कौन आता थे, कौन अपना कौन मुझे हर व्यक्ति को सहेगा, कौन मुझे हमेशा अपने गले से लगाएगा। यहां तक कि लोग कहते हैं कि महाराज का अनुरोध से बहुत जुड़ाव था, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि रात के सपने में महाराज
मेरा नाम, नींद में ऐसे जोर जोर से बोलते जयेश जयेश जयेश, फिर मैं महाराज के पास जाकर क्या बात है, महाराज तुझे गले से लगाते, फिर कहते मुझे ऐसा सपना आया कि कोई भीड़ थी, तेरा हाथ में ऐसे छूट गया और मैं तुझे आवाज लगा रहा। ऐसे इतना उनका मेरे पर करुणा थी। और मेरे अलावा अगर किसी व्यक्ति का नाम महाराज सपने में लेते थे तो वो है महाराज के भानेज राजू जी, राजू राजू राजू, ऐसे रात में ऐसे फरमाते थे महाराज, क्योंकि इनका काम भी ज्यादा पड़ता था, हर चीज में इनका सही। महाराज के नजदीक हम लाडू में एक साल पूरा रहे। अब लोग ये समझ सकते हैं कि हम चारित्र आत्मा होते हुए संसार को छोड़ते हुए क्यों इतना राग कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए घर में खट्टे मीठे संबंध होते हुए भी किसी व्यक्ति के जाने पर कितना कितना दुख होता है। तो हमारा जब इतना मधुर संबंध हो, दादा पोता के, मेरे तो ऐसी स्थिति में कितना हम एक दूसरे के एक तरह से अंग बन जाते हैं, और जब अपना अंग कट जाता है तो उस समय की वो पीड़ा वही जान सकता है, जिसका कटे वही उस अंग की पीड़ा को जान सकता है। तो आज शासन श्री मुनिश्री सुखलाल जी स्वामी हमारे बीच में नहीं है, उनकी इतनी कृपा, आप सोचेंगे तो उनका मेरे प्रति कितना लगाव था कि मेरा किसी, मुझे हमेशा कहते थे जयेश तेरा यह स्वर्णिम काल है, अभी तुझे एक मिनट भी बिगाड़ना नहीं है, तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़ना। यहाँ तक कि लाडलू में सुबह सुबह महाराज घूमने के लिए पधारते थे, क्यों, महाराज का शुरू से ही मैंने जहां से देखा प्रकृति से बहुत अच्छा संबंध था। अगर किसी फूल को खिलते हुए महाराज देखते थे तो उनके मन में जैसे खुशियां खिलने लगती थी, महाराज पधार जाते मुझे बिना बताए पीछे के रास्ते से निकल जाते, फिर मैं देखता कि महाराज कहाँ है, जब कहीं नहीं दिखते फिर मैं भी समझ जाता महाराज घूमने पधार कर पीछे से रास्ते से जाता और पीछे से महाराज को डराता, महाराज के गले लगता। उसके बाद महाराज कहते तू यहाँ क्यों आया, मैंने कहा आपको अकेला कैसे छोड़ता, तो फिर वो मेरे को कहते जयेश अभी तेरा स्वर्णिम काल है, मैं नहीं चाहता कि तेरा समय मेरे कारण वेस्ट है। इतनी उनकी मेरे प्रति सद्भावना थी। मैं तो सोचता हूँ मैंने ही प्रमाद बस उनसे बहुत कम ज्ञान लिया, नहीं तो महाराज तो मुझे, मैं ये बात नहीं समझ पाया कि मेरा स्वर्णिम काल इतना छोटे समय के लिए रहेगा। और मुझे लगता है कि आज शायद तक मेरा वो स्वर्णिम काल व्यतीत हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब तो बस प्रायश्चित नहीं कर सकता, मैं उसका पछतावा नहीं कर सकता, लेकिन उस स्वर्णिम काल में मैंने जो सीखा है, जो महाराज की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, बस उसी को मैं संभाल कर रखूं और उसका संवर्धन कर सकूं, तभी महाराज के प्रति मेरी श्रद्धांजलि होगी। महाराज जी ये हम आज गुणानी बात कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको अपनी बात बताई है, लेकिन महाराज के भीतर एक बहुत विशिष्ट गुण था, वो सबके प्रति हार्ड फीलिंग्स किसी के लिए नहीं रखते थे। यहाँ तक कि कई बार क्या होता, कोई व्यक्ति आता था तो महाराज बहुत अच्छे से बात करते थे, मैं पूछता महाराज जी कौन है आप जानते हो, कहते मैंने इसके गांव में है ना 30-35 साल पहले काम किया, चातुर्मास किया, उस समय इसने मेरे काम में भयंकर अड़ंगे रहे। मैं एक बार ये सोचता हूँ महाराज इतने अड़ंगे डाले, फिर भी महाराज के मन में कोई वो बात नहीं, ठीक है वो आया तो उसको और ज्यादा सम्मान दो, उसको सेवा करो, ये जो भावना थी महाराज की, प्रमोद भावना की, सब अपने क्षेत्र में सफल हो। और मेरे लिए जो महाराज की सद्भावना थी, मेरे जीवन भर भी महाराज ने जो ऋण है उससे मैं ऋण नहीं हो सकता, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मैं जहां भी जाऊं
सब यही कहे कि मुनि सुखलाल जी स्वामी ने इस छोटे से बच्चे को तैयार किया और उनके उनके जो नाम है, इस नाम को मैं आगे से आगे बढ़ाऊं। ओम अरहम।